वेलकम टू माय चैनल इजी टू लर्न विद मिस्टर पांडे। इस वीडियो में हम लोग फीचर्स ऑफ जावा, जावा के फीचर्स को देखेंगे। फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएशन वाज टू मेक इट द पोर्टेबल सिंपल एंड सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बहुत ही सिंपल और सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर ऑल्सो सम एक्सीलेंट फीचर। इसके अंदर बहुत सारे एक्सीलेंट फीचर अवेलेबल हैं विच प्ले एन द इम्पोर्टेंट रोल इन द पॉपुलरिटी ऑफ दिस लैंग्वेज। इस लैंग्वेज को बहुत बहुत सारे एक्सीलेंट फीचर्स अवेलेबल हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसकी पॉपुलरिटी में। चलो हम लोग अपने फीचर्स को वन बाई वन देख लेते हैं। अ लिस्ट ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ जावा। सिंपल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, पोर्टेबल, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, सिक्योर्ड, रोबस्ट आर्किटेक्चर, नेटवर्क आर्किटेक्चर, न्यूट्रल इंटरप्रेटेड, हाई परफॉर्मेंस, मल्टी थ्रेडिंग थ्रेड्स, डिस्ट्रीब्यूट डायनामिक। ये हमारे क्या है, लिस्ट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ जावा। हम लोग देखते हैं वन बाय वन करके इनकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हमारा फीचर है, फर्स्ट फीचर है हमारा सिंपल। सिंपल क्या होता है, जावा इज डिजाइन टू बी इजी टू लर्न। जावा डिजाइन की गई बहुत आसानी से सीखने के लिए। इफ यू अंडरस्टैंड, अगर आप लोग समझ सकते हैं द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ओप्स, बेसिक कॉन्सेप्ट ओप्स के आप लोग समझ सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, जावा इट वुड बी इजी टू मास्टर। नेक्स्ट फीचर हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इन जावा एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। जावा में सभी क्या होते हैं, एक ऑब्जेक्ट होते हैं। जावा कैन बी इजीली एक्सटेंड सिंस इट इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट मॉडल। ये ऑब्जेक्ट मॉडल पर बेस्ड होती है पूरी प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पोर्टेबल। पोर्टेबल क्या होता है, नेक्स्ट फीचर हमारा क्या है, पोर्टेबल विगन आर्किटेक्चर न्यूट्रल एंड हैविंग नो इम्प्लीमेंटेशन डिपेंड्स एस्पेक्ट ऑफ द स्पेसिफिकेशन मेक्स जावा पोर्टेबल। सो बहुत सारी चीज़ें जो हैं जावा को पोर्टेबल बनाती हैं। द कंपाइलर इन जावा इज राइटन इन द एनसाई सी विद अ क्लीन पोर्टेबिलिटी बाउंड्री विच इज पॉक्सिक्स सबसेट। अब हम लोगों क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट फीचर हमारा क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जावा हमारी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है। इसका कोड हम किसी भी सिस्टम पर लिख के, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर लिख के किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर इस कोड को हम लोग रन करा सकते हैं। इसलिए जावा को हम लोग प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोलते हैं। अनलाइक मेनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंक्लूडिंग सी एंड सी प्लस प्लस, सी एंड सी प्लस प्लस है, व्हेन जावा इज कंपाइल, जब जावा कंपाइल करती है इट इज नॉट कंपाइल इनटू प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक मशीन, कोई भी स्पेसिफिक मशीन पर कंपाइल नहीं करती, रेदर इनटू द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट वाइट कोड। ये किसी भी वाइट कोड को किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम लोग रन करा सकते हैं। दिस वाइट कोड इज डिस्ट्रीब्यूट ओवर द वेब, इसके वाइट कोड को हम लोग वेब ओवर पर भी डिस्ट्रीब्यूट करा सकते हैं। इंटरप्रेटेड बाय द वर्चुअल मशीन, ये वर्चुअल मशीन पे क्या करते हैं, इंटरप्रेट करती है ऑन विच ईवर प्लेटफॉर्म इट इज विगन रन ऑन, ये उसी प्लेटफॉर्म पे विगन करते हैं। ठीक है, स्टार्ट। नेक्स्ट हमारा फीचर है सिक्योर। जावा हमारी बहुत ज़्यादा सिक्योर प्रोग्रामिंग। विच जावा सिक्योर फीचर इट द एनेबल्स टू डेवलप वायरस फ्री है, टेम्पर फ्री सिस्टम है, एथेंटिकेशन टेक्निक्स आर बेस्ड ऑन पब्लिक की इंस्क्रिप्शन। जावा हमारी बहुत ही सिक्योर लैंग्वेज होती है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमारी सारी चीज़ें सिक्योर होती हैं इस पर। नेक्स्ट फीचर है हमारा रोबस्ट। जावा मेक्स एन एफोर्ट टू एलिमिनेट एरर फ्रॉम सिचुएशन बाई एम्फेसाइजिंग मेनली ऑन कंपाइल टाइम एरर चेकिंग एंड रन टाइम चेकिंग। ये क्या करता है, हमारा कंपाइल टाइम और रन टाइम दोनों टाइम चेकिंग करता है। इसमें हमारे बहुत सारे होस्ट जावा मेक द एफोर्ट द एलिमिनेटिंग एरर। नेक्स्ट फीचर है हमारा आर्किटेक्चर न्यूट्रल। आर्किटेक्चर न्यूट्रल क्या होता है, हमारा जावा कंपाइल जनरेट्स एंड द आर्किटेक्चर न्यूट्रल ऑब्जेक्ट फाइल फॉर्मेट।
एक फाइल फॉर्मेट जो है जनरेट करता है, विच मेक द कंपाइल्ड कोड एग्जीक्यूटेबल, जो कि कोड को कंपाइल करने के लिए एग्जीक्यूटेबल बनाता है ऑन मैनी प्रोसेसर, अलग अलग प्रोसेसर, बहुत सारे प्रोसेसर, विद द प्रेजेंस ऑफ जावा रन टाइम सिस्टम, जावा रन टाइम सिस्टम की प्रेजेंस में। नेक्स्ट हमारा फीचर है इंटरप्रेटेड जावा वाइट कोड इज द ट्रांसलेटेड ऑन द फ्लाई टू नेटिव मशीन्स इंस्ट्रक्शंस एंड इज नॉट स्टोर्ड एनीवेयर, इसे हम लोग कहीं पे भी स्टोर नहीं कर सकते। ट्रांसलेटेड है ऑन द डेवलपमेंट प्रोसेस इज मोर रैपिड, इस पर जो है डेवलपमेंट प्रोसेस बहुत ही रैपिड रहती है। एंड एनालिटिकल सेंस द लिंकिंग इज एन इंक्रीमेंटल एंड लाइट वेट प्रोसेस, इसकी जो प्रोसेस होती है बहुत ही इंक्रीमेंटल होती है, धीरे धीरे बढ़ने की होती है, लाइट वेट प्रोसेस भी होती है, इसलिए हम लोग इसको जावा को इंटरप्रेटेड कहते हैं, इसलिए इंटरप्रेटर, यही इंटरप्रेटर फीचर्स। जावा का एक हाई परफॉर्मेंस भी फीचर है, जावा बहुत हाई परफॉर्मेंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, विद द यूज ऑफ जस्ट इन टाइम कंपाइलर, जावा एनेबल्स हाई परफॉर्मेंस, जावा के अंदर बहुत ही ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस हमारी प्रोसेस भी हो सकती है। नेक्स्ट हमारा मल्टी थ्रेड्स फीचर भी है, मल्टी थ्रेड्स हमारा फीचर है, विद जावा मल्टी थ्रेड्स फीचर इट इज़ द पॉसिबल टू राइट प्रोग्राम दैट कैन परफॉर्म मैनी टास्क, जो हमारा जावा क्या करता है बहुत सारी टास्क को परफॉर्म कर लेता है, ठीक है, एक ही टाइम बहुत सारी टास्क को एक साथ में परफॉर्म करता है। दिस डिजाइन फीचर अलाउ द डेवलपर्स टू कंस्ट्रक्टर इंटरेक्टिव अप्लीकेशन दैट कैन रन स्मूथली, इससे क्या होता है दिस ये फीचर इसलिए डिजाइन किया गया है जावा में जिससे कि बहुत सारे डेवलपर्स और कंस्ट्रक्टर क्या करते हैं इंटरेक्टिवली अप्लीकेशन को स्मूथली रन कर सकते हैं एक साथ में। नेक्स्ट हम लोग जावा का फीचर देख लेते हैं, हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड फीचर है, जावा इज डिजाइंड फॉर द डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट ऑफ द इंटरनेट, जावा क्या है इंटरनेट पे एक डिस्ट्रीब्यूटर्स इन्वायरमेंट को क्रिएट करता है इंटरनेट पर, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं डायनामिक, डायनामिक क्या होता है, जावा इज कंसिडर्ड टू बी मोर डायनामिक देन सी एंड सी प्लस प्लस, जावा जो है सी और सी प्लस प्लस से भी ज़्यादा डायनामिक है, सिंस इट द डिजाइन टू अडेप्ट टू एंड द इवॉल्विंग इन्वायरमेंट, ये बहुत ही अच्छा इन्वॉल्विंग इन्वायरमेंट है, जावा प्रोग्राम कैन कैरी एंड द एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ रन टाइम इंफॉर्मेशन, ये बहुत ही एक्सटेंसिव रन टाइम इंफॉर्मेशन को कैन दैट कैन बी यूज टू वेरीफाई, बहुत ही जल्दी वेरीफाई कर लेता है एंड रिसॉल्व एक्सेस टू ऑब्जेक्ट एट रन टाइम, और किसी भी ऑब्जेक्ट को रिसॉल्व कर लेता है द रन टाइम में। जैसा कि आप लोगों ने देखा आज की इस वीडियो में फीचर्स ऑफ जावा देखे, ठीक है, हम लोग जावा की ऐसी बहुत सारी वीडियो लेके आएंगे, जावा का कंप्लीट कोर्स लेके आएंगे जीरो टू टॉप तक हम लोग जावा का कोर्स करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।